that pattern under the aegis of ARO Srinagar and headquarter Kilo Force, headquarter 10 sector RR, and with the support of 29 RR battalion. ये रैली तकरीबन 16 तारीख तक चलेगी. इस रैली में इस बार हमें काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है. हम चार कैटेगरी में भर्ती के लिए ये रैली कर रहे हैं, सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एंड सोल्जर क्लर्क एंड एसटी, क्लर्क एंड एसकेटी. इस बार इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस में हमें तकरीबन इस रैली के लिए 5,500 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है और उनको हम अगले 5 दिन के अंदर 1,000 के ग्रुप में बुलाएंगे. आप सब लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि भारतीय सेना में भर्ती सिर्फ योग्यता के अनुरूप होती है. इसमें पहले दिन हम उनका फिजिकल टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर कि उनको 1 माइल या 1600 मीटर भागने का मौका दिया जाता है, जो इसके अंदर पास होते हैं, और उसके बाद उनका मेडिकल किया जाता है. और कोई कैंडिडेट अगर मेडिकल में टेम्प्रेरी अनफिट पाया जाता है तो उसको एक और मौका दिया जाता है, ताकि सेना के बड़े अस्पताल में स्पेशलिस्ट के द्वारा उसकी जांच हो, ताकि हर एक कैंडिडेट को पूरा मौका मिले. उसके बाद इन सभी कैंडिडेट्स का एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि इसी महीने यहीं पे पटन में 28 जुलाई को होगा. इस रैली के लिए भारतीय इंडियन आर्मी और चिनार कोर की सभी फॉर्मेशंस ने भरपूर सहयोग दिया है और अपने अपने इलाके से काफ़ी कैंडिडेट्स को मोटिवेट करके इस रैली में भाग लेने के लिए भेजा है. हमें पूरी आशा है कि इस रैली के तहत हम कश्मीर की जो नौजवान हैं उनको भारतीय सेना के साथ जुड़ने का और देश सेवा का एक बहुत अच्छा मौका.